फिलहाल तो पिछले कुछ महीनों से ये कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला के रख दिया है। ना इसकी कोई दवाई मिल रही है और ना कोई वैक्सीन। इस वायरस से बचने के लिए घर में रहे तो भी कब तक? आखिर काम करने के लिए, कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा। सब्जी और खाने पीने की चीजें लेने के लिए भी जाना तो पड़ेगा। तो अब बस एक ही रास्ता है, जहां जाओ मास्क पहन के जाओ। भाई शुरू शुरू में तो लोगों को मास्क पहनने में बड़ी परेशानी आ रही थी, पर धीरे धीरे लोगों को अब आदत पड़ गई। धीरे धीरे नए नए मास्क भी मार्केट में आने लगे, और फिर सिंपल से और बोरिंग से मास्क भी हमेशा तो नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए फैशन वाले नए नए मास्क भी मिलने लगे। तो दूसरी ओर गोल्ड के और सिल्वर के शौकीनों ने सोना चांदी के लाखों लाखों के मास्क भी बना लिए। पर अब बात कुछ बड़ी है। असल में दुनिया का सबसे महंगा मास्क बनने जा रहा है इजराइल में, जिसकी कीमत होगी $1.5 मिलियन, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसराइल के मोडजा में एक ज्वेलरी शॉप जिसका नाम है वाइवेल, वो ये मास्क बनाने जा रहा है एक अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए, जो कि बेसिकली चाइना का इंसान है। ये मास्क में 18 कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में 3600 जितने व्हाइट और ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और ये सिर्फ दिखावे का मास्क नहीं होगा, इसमें N99 मास्क में लगने वाले फिल्टर्स भी होंगे। और बनाने वाले कहते हैं कि ये मास्क 31 दिसंबर के पहले रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये मास्क रेडी हो गया तो ये दुनिया का सबसे महंगा मास्क बन जाएगा, जिसकी कीमत होगी 11 करोड़ रुपए, यानी कि $1.5 मिलियन। आपको इस मास्क के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।